नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको अमरकंटक लेके आए हैं। यह पिंडा रोड से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है, अनूपपुर से 75 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है जबलपुर, जो लगभग यहाँ से 270 से 275 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बिलासपुर की दूरी यहाँ से 127 किलोमीटर है मरवाही बाईपास होते हुए, और अचानक मार होते हुए 117 किलोमीटर बिलासपुर यहाँ से पड़ता है। बहुत ही मनमोहक जगह है अमरकंटक, यहाँ पर आपको घूमने के लिए एक बार आना चाहिए। माता नर्मदा नदी और आपका सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थान है, प्राकृतिक वनस्पतियों से परिपूर्ण है, और यहाँ पे ठंड के मौसम में और बारिश के मौसम में बहुत सारे पर्यटक बाहर से आते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है हमेशा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ये, बहुत ही अच्छा है। नर्मदा नदी है ये, देखिए मुख्य द्वार हम आपको दिखा रहे हैं, ये नर्मदा माता का जो मंदिर है उसका मुख्य द्वार है। इसके अंदर जो परिसर है उसमें बहुत सारे मंदिर विराजमान हैं। अब हम इस गेट से अंदर चलेंगे, अंदर की ओर आपको मंदिर परिसर दिखाएंगे। मंदिर परिसर भी बहुत बड़ा परिसर है इनका। मंदिर परिसर में एक तालाब है, और ये तालाब के पास में शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, माता अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर आदि बहुत सारे मंदिरों के समूह हैं। शिव परिवार के भी मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कुंड है जिसमें लोग स्नान करते हैं। स्नान करना बहुत शुद्ध माना जाता है काया के लिए, और कष्ट निवारण होता है ऐसी मान्यता है। अब देखिए माता नर्मदा का जो मुख्य मंदिर है उसका द्वार दिखा रहे हैं आपको, अंदर कैमरा ले जाना मना है इसलिए जा नहीं पा रहे हम। ये मुख्य मंदिर है जहाँ पे माता नर्मदा विराजमान है। इसी परिसर में माता नर्मदा का कुंड है, इस कुंड से ही माता नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। पीछे जो तालाब है ये भी इस कुंड के फलस्वरूप ही बना हुआ है। कुंड के पानी को बहुत पवित्र माना गया है, कि बहुत पवित्र होता है इसका जल, लोग भर के ले जाते हैं बोतलों में भी इसको। ये माता नर्मदा नदी का कुंड है। इसी परिसर में एक हाथी भी है, ऐसा मानना है कि पापी लोग इसके नीचे से नहीं निकल जाते, और जो पुण्य लोग हैं वो इसके नीचे से आसानी से निकल जाते हैं, जो पुण्य करे हुए लोग हैं। पर इसकी बनावट का कुछ अंतर है, हमें ऐसा नहीं लगता। बाकी नर्मदा कुंड से निकलते ही दक्षिण की ओर एक मंदिरों का समूह है, ये कलचुरी काल के मंदिर हैं। इन्हें राजा कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान बनाया था। ये बहुत ही मनमोहक मंदिर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें किसी प्रकार की आधुनिकता का कोई प्रयोग नहीं है, लोहे और छड़ का किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। पुरानी चीज़ों के टाइम ये चूने के पत्थर और चूने से और पत्थरों से बने हुए हैं, ये मंदिर बहुत ही मनमोहक हैं। दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। मैं सब कुछ आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाने को तो अमरकंटक पे 2 घंटे की वीडियो बन सकती है। ये देखिए प्राचीन मंदिर, बड़ा मनमोहक प्रतीत होते हैं ये मंदिर। इसके बाद हम आपको जैन मंदिर लेके चलते हैं। ये सर्वोदय जैन मंदिर है, जो अपने आप में एक अद्भुत स्थान रखता है। इसमें 24 टन की भगवान बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है, जो अष्टधातु से बनी हुई है। और देखिए इसके गुम्बद, इसकी बनावट जो है, ये कारीगरों द्वारा नक्काशी करके, पत्थरों पर नक्काशी करके बनाई गई है। इसमें भी किसी प्रकार के लोहे और ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, बहुत विशाल का मंदिर है ये। इसके फलस्वरूप अब हम चलते हैं सोनमुड़ा की तरफ। सोनमुड़ा में पानी का एक झरना है, जो लगभग 100 से 110 फीट की ऊंचाई से गिरता है, और यहाँ पर सोन नदी का उद्गम माना जाता है। बंदर यहाँ पर काफ़ी उत्पात मचाते हैं, तो आप जब भी जाएँ तो बंदरों से सावधान रहिएगा, नहीं तो आपका पर्स, मोबाइल, कैमरा आदि ले जा सकते हैं बंदर। बंदरों से काफ़ी सावधान रहना पड़ता है। यहाँ पे सोन नदी का उद्गम है महाराज सोनभद्र के चरणों से, और एक झरना बड़ा मनमोहक है। ये देखिए सोनभद्र महाराज जी, यहाँ से इस कुंड से ही सोन नदी का उद्गम हुआ है, जो आगे चल के एक बहुत बड़ी नदी बन गई है। ये देखिए परिसर है, इसके बगल से एक झरना निकलता है, जो लगभग 100 से 110 फीट ऊँचाई से नीचे गिरता है। देखिए आप, बड़ा मनमोहक दृश्य होता है यहाँ पे, काफ़ी ऊंचाई से नीचे देखना बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। इसके बाद हम आपको कपिलधारा लेके चलेंगे। देखिए आप आ गए हैं कपिलधारा में। कपिलधारा में भी लगभग 100 से 110 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है, ये भी बहुत मनमोहक दृश्य है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये कबीर चबूतरा है, यहाँ पे कबीर जी ने, ऐसा मानना है कि कबीर जी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी,
और ये जो बरगद का पेड़ है ये भी काफ़ी पुराना है। ये कबीर कुंड है, यहाँ पे काफ़ी शुद्ध जल है इस कुंड में, कबीर कुंड। जालेश्वर महादेव है, यहाँ से जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ एक शिव जी का मंदिर है और एक शनि जी का मंदिर है। अब हम अमरेश्वर महादेव आ गए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग